दाना चक्रवर्ती तूफान इस वक्त बहुत तेजी से उड़ीसा के तट की तरफ बढ़ रहा है। इससे कितना नुकसान होने वाला है, सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने राज्य प्रभावित होने वाले हैं, कितने लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, पूरी डिटेल इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के एमपी छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूँ रीनू यादव। जैसा कि आपको पता है कि साइक्लोन दाना बहुत तेज़ गति में आ रहा है भारत देश की तरफ और ये पुरी के तट से टकराने वाला है। और जानकारी ये है कि 24 अक्टूबर की रात 2 बजे यानी कि आज रात तकरीबन 2 बजे के पहले पहले ये बहुत तेज़ी से तटों से टकराएगा और उसके बाद हो सकता है कि तबाही का एक बहुत बड़ा मंज़र आपकी आंखों के सामने होगा। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना देर रात 2 बजे ओडिशा के तट से टकराना है और 18 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार है इसकी और यह भितरकनिका नेशनल पार्क और धामरा पोर्ट के पास लैंड करने वाला है। तूफान का जो सबसे ज़्यादा असर है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रहने वाला है। भुवनेश्वर मौसम केंद्र के मुताबिक लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से ये गुजरने वाला है। तटीय इलाकों पर 20 सेंटीमीटर बारिश होगी और भद्रक केंद्रपाड़ा सहित कुछ स्थानों पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच से ज़्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा के 14 ज़िलों में 10 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया है और इस तरीके से यहाँ पर हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, तमाम कार्यालयों को बंद कर दिया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दे दें। 2 एयरपोर्ट 16 घंटे फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं, 552 ट्रेनों को भी कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है। 25 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक 16 घंटे फ्लाइट कैंसिल रहने वाली हैं क्योंकि इस तूफान का असर उड़ानों पर भी पड़ सकता है। इधर साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, इंटरनल रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कुल 552 ट्रेनों को रद्द किया गया है। ओडिशा एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात कर दी गई हैं क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इसका असर है वो ओडिशा के तटों पर पड़ने वाला है और तूफान से 14 जिले प्रभावित होंगे जहां पर स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। टूरिज्म में जो पार्क्स हैं वो उनको भी बंद कर दिया गया है। ओडिशा हाई कोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक के लिए बंद रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों की जो छुट्टियां थी पहले से जो छुट्टियां लिए रखी थी कर्मचारियों ने उन्हें कैंसिल कर दिया गया क्योंकि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियां जितनी भी हैं उन्हें अब मौके पर काम करना होगा और इसके चलते सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तूफान से जुड़ी जो और भी अपडेट्स हैं वो आपको बता दें कि आसपास के करीब 7 राज्य हैं भारत देश के जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। कौन कौन से राज्य हैं, वो कितना उन पर प्रभाव आने वाला है, कैसी तैयारियां की जा रही हैं, ये भी आप एक नज़र में जान लीजिए, एक विस्तार से जान लीजिए। सबसे पहले तो सबको मालूम है कि इसका असर ओडिशा में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। 30 में से 40 तटीय ज़िलों के तूफान का सामना करना पड़ेगा और आईएमडी ने 24 से 26 अक्टूबर तक अंगुल, नयागढ़, बालेश्वर, मयूरभंज, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, केंदुझार, जाजपुर, कटक और ढेकनाल, खुर्दा, गंजम और पूरे ज़िलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है, आशंका जताई है। ओडिशा में तैयारी क्या है वो भी जान लीजिए। एनडीआरएफ की 20, ओडिशा डिजास्टर रैपिड फोर्स की 51, फायर ब्रिगेड की 178 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 6,000 राहत शिविर बना दिए गए हैं। होटल बुकिंग वाले 4 दिनों तक रोक दी गई हैं यानी कि होटलों में 4 दिनों तक कोई बुकिंग नहीं होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो मंदिर के कपाट हैं वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे लेकिन यहाँ पर पूजा विधि विधान से होती रहेगी। दूसरा, ओडिशा के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य रहने वाला है वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के 8 ज़िलों में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुरा, हुगली, हावड़ा और कोलकाता में 23 से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राज्य में 85 राहत टीमें तैनात की गई हैं और इस तरीके की पूरी तैयारी है। इसके बाद आता है इसका असर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भी इससे प्रभावित रहने वाला है जहाँ
रायल सीमा क्षेत्र में भारी बारिश से 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है और एनडीआरएफ की 9 टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं। झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है, झारखंड भी इसकी चपेट में आएगा। पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा में बारिश हो सकती है। यहाँ पर भी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं रहेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़रूर इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने का अनुमान है, तेज़ हवाएँ चलने का अनुमान है और 25-26 अक्टूबर को यहाँ पर भी जो तैयारियाँ हैं ये बहुत पुख्ता कर ली गई हैं। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है, फायर ब्रिगेड की टीमों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटा जा सके। बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, लखीसराय, नवादा, गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज में इसका असर दिखाई देगा और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलने वाली हैं। तमिलनाडु, अब देखिए कि पहले से ही तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से इतनी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही हैं कि घरों से बाहर निकलना, अपने दफ्तर जा पाना भी मुश्किल है। जिनका पास में हो तो फिर भी आसानी से चले जाते हैं, लेकिन जिनके दफ्तर दूर हैं उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश इतनी ज़्यादा लगातार हो रही है कि लोगों के घरों के बाहर दीवारों में काई जम गई है और ये आप समझ सकते हैं कि बारिश का किस तरीके का असर इस इलाके में पड़ रहा है। IMD ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और यहाँ पर भी जो सुरक्षा टीमें हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है, दमकल टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि अगर तेज़ बारिश होती है, बाढ़ जैसे अगर हालात बनते हैं, क्योंकि जितने भी समुद्री तटीय इलाके हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं बाढ़ जैसे हालात बनते हुए नज़र आने वाले हैं, वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो मछुआरे हैं पहले तो उनको वहाँ से हटाया गया है। जो तट क्षेत्र हैं वहाँ पर, जो निचले इलाके हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, छोटी बस्तियाँ हैं, वहाँ के लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। जो सेफ्टी होम्स बनाए गए हैं वहाँ पर रखा जा रहा है। खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है और इस तरीके से ये पूरी तैयारी पहले से ही राज्य सरकारें कर रही हैं ताकि जब ये साइक्लोन का असर इन क्षेत्रों में पड़े तो उसमें लोगों को खाने पीने की समस्या ना हो, जान माल का नुकसान ना हो। आर्थिक नुकसान तो होना है, वो तो तय है, लेकिन जिस तरीके की तैयारियां सरकार ने की है उसके बाद से माना जा रहा है कि सभी लोग सुरक्षित रहने वाले हैं। फिलहाल इस साइक्लोन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है और कितने व्यापक इंतजाम हो सकते थे, सरकार की गई व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को कवर कर रहा है। हमारी सहयोगी ने भी मौके पर पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लिया और पूरी रिपोर्ट दिखाई है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात साझा करिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।